तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इस टूटी सड़क पे कोई जाएगा तो दोष किसको दिया जाएगा। तो ये मैंने प्रवेश जी से पूछा तो बोले कि ये काम तो इस समय दिल्ली सरकार का है, एमसीडी में भी वो है, दिल्ली सरकार में भी वो है। तो हम इनको बोले कि लेकिन उल्टा होता है, जो नेता वोट मांगने आएगा उसी पे जाएगा। क्योंकि देखिए आप लोग सुबह उठते होंगे, कोई काम करता है, गए काम से बाइक उठाए काम करके आए, या कोई हमारे भाई छोटे मोटे काम करते हैं तो भी। अब हम जब आते हैं इस क्षेत्र में तो मैं सोचता हूं कि हम लोगों को कैसे समझाएंगे कि कौन सा काम किसका है। इसलिए आप सबसे मेरा प्रार्थना है, जो हमारे कार्यकर्ता हैं आप लोग, तो आप लोग इसका थोड़ा सा डिस्कशन करें। अब ये चुनाव जो है, ये जो बड़ी बड़ी सड़कें बनी है बाहर दिल्ली में, दो चाबी है उसको आप समझिएगा, हमारे मीडिया के भी भाई बहन है, दो चाबी है, एक है देश चलाने वाली चाबी और एक है राज्य चलाने वाली चाबी। देश चलाने वाली चाबी आप 10 साल से मोदी जी को दिए, तो मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने पूरे देश की महिलाओं का दर्द समझा। आप सुनते ही होंगे, आप लोग भी तो करोड़ों करोड़ों गांव के होखबे करब जा, करोड़ों करोड़ों गांव हो ही आपके, हो सकेला कुछ बिहार के हो, कुछ यूपी के हो, कुछ राजस्थान के हो, कुछ उत्तराखंड के हो, बंगाल के हो। दो चाबी का अंतर जब तक हम नहीं समझेंगे, हमारे बुराड़ी को उसका सर्वश्रेष्ठ विकास कैसे होगा। पंजाब भी है, पंजारे भाई पंजाब सुंदर दौर पंजाब। तो मैं अभी बात को ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन आप लोग इतना जरूर सोचिएगा कि पिछले 26 साल से जो दूसरी चाबी है, जो राज्य वाली चाबी है, दिल्ली शहर वाली, वो चाबी भाजपा को नहीं मिली है। कितने साल से? 26 साल से। हम लोग 10 साल से मोदी जी को आपने प्रधान, ये प्रधानमंत्री का चुनाव, मैं आपका सांसद बनने के लिए आप सबके सामने फॉर्म भरा हूं। इसलिए आप सबसे मेरा प्रार्थना है, इस देश को कौन चलाएगा, देश की बागडोर किसको होगी। राज्य चलाने वाला चुनाव तो फिर 8 महीने बाद आएगा, 2025 में आएगा। ये बात अगर हमको समझ में आ गया, क्योंकि कल हमको एक आदमी ने पूरा ऐसे पकड़े, ऐसे बोले कि तिवारी तुम मेरे घर में घुसो। मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया, अंदर ले गए, बोले ये पानी पियो जो नल से पानी आ रहा। अब हम उनको क्या बोल सकते थे? हमने कहा कि भाऊजी हमारा काम था घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाना, हमारा काम था बेघर को घर देना, हमारा काम था ये जो बाहर मेट्रो आपकी आई है मेट्रो बनाना, तो हमने पहली बार बुराड़ी में भी मेट्रो ला दिया। 5-6 महीना बाद आप यहां से बैठ करके जहां जाना हो जाइए, जड़ौदा में, जड़ौदा के ठीक सामने सेंट्रल स्कूल बनाने का हमारा प्लान है, जमीन ऑलमोस्ट भर दिए, वो भी हम कर ही देंगे। आप सबसे बस ये बात जब हम कहते हैं तो हमें लगेगा कि सब लोग इस बात को समझेंगे कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि सब समझ लेते। इसलिए मेरे भाई बहन, 25 मई को चुनाव है, और ये चुनाव देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, और कौन कौन खड़ा है, तो नरेंद्र मोदी खड़े हैं, बाकी किसी का नाम नहीं है, बाकी किसी का नाम सुने आप? क्या अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के लिए खड़े हैं? राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के लिए खड़े हैं?
लालू जी प्रधानमंत्री के लिए खड़े, अखिलेश यादव जी खड़े, ये सभी लोग, इसमें कोई खड़ा नहीं है, केवल सब कोई मोदी को हराना चाहते हैं कि मोदी न आए। क्यों मोदी न आए? क्योंकि मोदी ने सबको कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और सबका जो भ्रष्टाचार का छेदा बंद कर दिया। अब जो भ्रष्टाचार करेगा उसको तो सजा मिलेगी, मनोज तिवारी भी भ्रष्टाचार करेगा तो हमें भी सजा मिलेगी। हमने इतना दिन में, आप कभी यहां से मान लो आपका कोई रिश्तेदार रहता हो जमुना बिहार में, सोनिया बिहार में, पहले आप जाते थे बहुत जाम लगता था, आप सिग्नेचर ब्रिज बना दिया, आपको जाम नहीं लगेगा, हो सकेगा तो कभी कभी ताली बजा करके धन्यवाद दे देगा। मेट्रो से बैठोगे, ये बड़ी बड़ी सड़कों से आप जाएंगे, जाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको 25 मई को इसलिए भी वोट देना है कि एक मनोज तिवारी है, वो कौन है? किसी को गाली दिया है आज तक? किसी से झगड़ा किया आज तक? भगवान का भजन गाता रहता है, भारत के माँ, भारत माता के गीत गाता है, लेकिन जो लोग हमारे सामने खड़े हैं आके, वो कौन है? हमारे सामने कांग्रेस ने एक प्रत्याशी दिया है, उनका नाम है कन्हैया कुमार। अब उनका परिचय आप जाएंगे ढूंढेंगे तो उनका देश में और कोई परिचय नहीं है, दो तीन नारे उनके परिचय, उन्होंने दो तीन नारे लगाए, उनका विचारधारा है। लेकिन उसमें सबसे खतरनाक विचारधारा है कि वो देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाते रहे। दूसरा वो कहते हैं हम हर घर से आतंकवादी निकालेंगे। हर घर से आतंकवादी निकलना चाहिए कि पढ़ लिख करके देश का नागरिक निकलना चाहिए? वो कहते हैं एक आतंकवादी था जिसने संसद पे हमला किया, उसका नाम था अफजल गुरु, उसको कोर्ट ने फांसी की सजा दी। वो कहते हैं तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो मेरे भाई बहन, आप सबको ये बताते हम का, हम तो इतने कॉप के थोड़ा थोड़ा समझिया जा। रही बात अब हमारी, मैं आप सबसे प्रार्थना करते हुए कि आगे जो आपकी और भी बहुत सारी, अब तो हमको मेट्रो बना लिए, सड़क बना लिए, सब कुछ के, ये आपका पुस्ता रोड अब इसको 8 लेन की करने वाला हूं, अभी पुस्ता 4 लेन की, 2 लेन की है, अभी इसको 8 लेन की करेंगे और किसी का घर नहीं टूटने देंगे। जड़ौदा संगम बिहार, संगम बिहारी सब टूटने का हल्ला हुआ था, वो सबको हम जब कोर्ट में जा करके लड़े, आपकी समस्या हमारी समस्या। हम मनोज तिवारी आपसे प्रार्थना करते हैं आप नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए कमल का बटन दबाइए, अपने मनोज भैया पे विश्वास रखिए। इन्हीं प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, दोनों हाथ उठा के कहिए भारत माता की। बीजेपी नरेंद्र मोदी, और कोनो गलती वलती हो गई तो माफ कर दिए, तो आपके घर ही के वाणी फिर आप बैठ के पर्याय।